गांव में एक लड़की रहती थी। वो लोग खेल रहे थे और उसे उस लड़की को एक पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पे एक आम था। लड़की के मुंह में पानी आने लगा और फिर उसने उसके भाई को बुलाया और कहा, भाई मुझे वो आम चाहिए। और फिर भाई ने एक गुलेल लाई और उससे निशाना लगाया और वो आम नीचे गिरने ही वाला था, तभी एक कौवे ने वो आम लपक लिया और अपनी चोट में लपक लिया। और जैसे ही वो आगे जा ही रहा था, वो मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया और फिर मधुमक्खियाँ जाग गई और उसे वो मधुमक्खियाँ काटने लग गई और उसके मुंह से वो आम नीचे घोंसले में गिर गया। वो घोंसला कौवे का ही था और उसी पेड़ पे तीन गिलहरियाँ थी और एक गिलहरी आई और उसने वो आम उठा लिया। जैसे ही वो भागने ही वाली थी, तभी कौवे के बच्चे बाहर आ गए और शोर करने लग गए, इसलिए गिलहरी डर गई और उसके हाथ से वो आम नीचे गिर गया। वो एक आदमी के पगड़ी पर गिर गया। वहाँ दो खरगोश, एक और एक बहन भाई और एक कौवा था। और फिर भाई ने कहा कि हमें ये आम चाहिए और फिर उस आदमी ने उन्हें वो आम दे दिया लड़की के हाथ में और लड़की खुश हो गई और भाई भी खुश हो गया, चलो मेरी ये बुलेट किसी काम के लिए भी आ गई। वो सोचने लगा कि चलो ये मेरी बुलेट किसी काम के लिए भी आ गई। थैंक यू।